तो फ्रेंड्स आज बनाते हैं कच्चे हरी मटर से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्टी सा नाश्ता, जो बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा और आप इन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब इस रेसिपी को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ताज़ा हरी मटर, जिसको अच्छे से धो कर के लिया है, और अभी से एक मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे। अभी से एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का गाजर, जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आधा छोटी चम्मच ज़ीरा, आधा छोटी चम्मच राई, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा साइज़ का प्याज लिया है बारीक कट करके। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और उसी कप से यहाँ पे हम लेंगे 1 कप, हमने मतलब आधा कप हमने लिया है सूजी, मोटी वाली सूजी ली है मैंने, आप बारीक वाली ले सकते हो। और आधा हम बेसन ऐड करेंगे, तो दोनों मिलाकर 1 कप हुआ है, तो आधा बेसन आधा सूजी लिया है। आप चाहो तो पूरा बेसन या फिर पूरा सूजी ले सकते हो। तो इन दोनों को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, उसी कप से हम यहाँ पे 2 कप पानी ऐड करेंगे। अभी हम 2 कप पानी ऐड करेंगे, बाद में हमने और इसमें पानी ऐड करना है, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये मिक्स हो चुका है, अब इसे बना लेते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, उसमें थोड़ा सा आधा छोटी चम्मच ज़ीरा, आधा छोटी चम्मच राई, और जो हमने घोल बनाकर रखा था इसमें ऐड कर देंगे। और उसी कप से हम 1 कप पानी और ऐड करेंगे, तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 3 कप पानी ऐड किया है। और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे चम्मच से चलाते हुए हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है, अभी हम इसे और पकाएंगे। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है, और बस इस तरीके का बैटर हमें चाहिए। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, और यहाँ पे मैंने एक प्लेट पर अच्छे थाली पर अच्छे से ऑयल लगा लिया था, ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और उस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लिया है, और ये जो बैटर हमने बना कर रखा था वो इस पर डालकर अच्छे से इसे फैला लेंगे। चम्मच पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है मैंने, और इस तरह से इसे फैला लेना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए नाश्ता जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। अगर आप इसे रात में बनाकर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, फ्रिज में बनाकर इसे रख दीजिए, और मॉर्निंग में इसे फ्राई करके टिफ़िन में दे सकते हो, बहुत ही झटपट बन जाएगा। और देखिए कितने आसानी से ये बर्फ़ी जैसे कट रहा है, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे ट्रायंगल शेप में या फिर किसी भी आपके मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हो।
तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है थाली पर, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के इसे। देखिए कितना अच्छा बना है ये हमारा नाश्ता, और आप इसे ऐसे ही खा सकते हो क्योंकि हमने सूजी और बेसन को अच्छे से पका लिया है। ये ऐसे भी बहुत ही बढ़िया सा लगता है, देखिए कितना अच्छा बना है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है कढ़ाई में, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। तो अभी जो नाश्ता है हमारा इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मतलब पक रहा है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे पलट देते हैं और इसे डार्क कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए डार्क कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारा नाश्ता जो है हम फ्राई कर लेंगे। आप इसे केचप के साथ या फिर इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी के साथ, या फिर आप इसे हरी चटनी के साथ खा सकते हो, बच्चों को भी टिफ़िन में दीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए नाश्ता हमारा बन चुका है, अब सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा कच्चे मटर का नाश्ता हमारा बनकर रेडी है। तो आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए, इंजॉय कीजिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।